हेलो गाइस, खुशहाली रन वंस अगेन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द वीडियो गाइस। और मुझे पता है मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट फाइनली आई एम फ्री नाउ। प्लस यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारा मतलब कमेंट किया था कि भाई साउंड क्वालिटी इंप्रूव करो, अभी भी देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा नॉइज़ आ रहा है मतलब बैकग्राउंड से, तो उसी को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने परचेस कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इसका भी एक्चुअली रिव्यू आएगा। मैंने परचेस किया है रोड का वीडियो माइक्रो गो, देख सकते हो मेरे पास, आई मीन माइक्रो गो नहीं, ये है रोड वीडियो माइक्रो। मेरे को मतलब मन था कि रोड वीडियो वीएम गो परचेस करने का, और यहाँ पे वीडियो माइक्रो से भी काम चल सकता है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला माइक को पिक कर लिया है। और होपफुली इससे जो है मेरा जो साउंड क्वालिटी है, अभी तो मैं ये वाला माइक से शूट कर रहा हूँ, तो होपफुली आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा एक साउंड क्वालिटी मिल जाएगा इसके यूज़ करते हुए। तो इसका भी एक रिव्यू आएगा, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बी श्योर टू सब्सक्राइब। एंड नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं WD का M.2, जो कि ग्रीन वाला M.2 है, 240GB का आता है, काफ़ी चीप प्राइस में आता है अमेजोन में। और आई थिंक ये वाला जो WD का ग्रीन M.2 है, ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट M.2 है अभी जो अमेजोन में मिल रहा है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कि ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, मतलब इसका जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है कैसा है, और इसका जो रीड राइट स्पीड है बॉक्स में एक्चुअली अलग बताया जाता है, और जो रियल लाइफ है वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा बहुत अलग दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में चेक करने वाले हैं इसका जो रीड राइट स्पीड है वो कैसा है, कॉपिंग स्पीड कैसा है, मतलब कि हार्ड डिस्क टू SSD या फिर हार्ड डिस्क टू M.2 या फिर SSD टू M.2 का जो रीड राइट स्पीड है, कॉपिंग स्पीड है, वो टेस्ट करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि अगर आप हार्ड डिस्क से कोई गेम लॉन्च करते हो तो उसमें लोडिंग में कितना टाइम लगता है, और अगर आप कोई M.2 से गेम को लॉन्च करते हो तो उसमें कितना टाइम लेता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो M.2 है जो आपको मिल सकता है नॉर्मल डेज में अमेजोन से 2600 से 2700 तक का आपको मिल सकता है, बट अगर आप इसको सेल में परचेस करोगे, और मैंने भी वही किया है, सेल में इसको परचेस किया है, तो ये मुझे पड़ गया अराउंड 2400 रुपीज़ का। तो मुझे लगा यहाँ पे काफ़ी अच्छा डील है भाई, यहाँ पे 240GB का M.2 जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये मिल रहा है, तो मैंने इसको परचेस कर लिया। एनीवे अभी बॉक्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पे आपको WD का ग्रीन SSD वाला जो बैनर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इनका जो फॉर्म फैक्टर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे 240GB का साइज़ यहाँ पे बताया जाता है। प्लस यहाँ पे 3 ईयर्स वारंटी का बारे में भी बताया गया है, तो अगर आप मतलब कुछ भी हो जाता है 3 ईयर्स के अंदर, तो आप WD के ऊपर ऐसे फेंक के मार सकते हो कि भाई मेरा M.2 सही करके दो, हैं मजाक लगा रखा है, सही करके दो। एनीवे पीछे की तरफ यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस टैग मिलता है, और यहाँ पे जो प्राइस टैग है वो यहाँ पे है आपका 3050 रुपये, तो यहाँ पे आपको लिटरली 600 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। तो एनीवे बॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया, अभी चलो इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पैकेजिंग देखने को मिल जाएगा, और इस पैकेजिंग को खोलते ही यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा है भाई, मैं मतलब खुद ही डर गया हूँ, और मैं इसको खोलने का गलती नहीं करूँगा क्योंकि ये सील्ड है पहली बात, और दूसरी बात ये कि इसका जो साइज़ है वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ, तो इसको खोलने का गलती भी नहीं करने वाला हूँ, तो इसको साइड में रखते हैं। और फाइनली ये आ जाता है हमारा M.2, जो कि काफ़ी छोटा है मेरे हिसाब से, और मैं पहली बार मेरा कंप्यूटर के लिए एक M.2 परचेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो M.2 है वो दंतकांति का जो कोलगेट आता है उसका बराबर है, उससे भी छोटा है काफ़ी ज़्यादा, तो ये एक कंपैरिजन था। और अभी हम लोग थोड़ा बहुत इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वेल, बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या बात करना है, ये इसमें मेटल आपको PCB चाहिए या फिर यहाँ पे प्लास्टिक PCB दे रखा है, नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यहाँ पे हम लोग बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम लोग बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस के बारे में, और हाँ थोड़ा बहुत यूजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या बात करना है, यहाँ पे सिर्फ एक PCB है, दैट्स इट। और वैसे भी ये मदरबोर्ड में लगा रहेगा, आप इससे थोड़ी हॉकी खेलने जा रहे हो कि ये टूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एनीवे यहाँ पे यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो SSD है इसको आप अपने लैपटॉप में भी लगा सकते हो या फिर आप अपने PC में भी लगा सकते हो। अगर आपके लैपटॉप में कोई M.2 का स्लॉट है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ लैपटॉप जो है M.2 स्लॉट के साथ आते हैं, बट वहाँ पर आपको कोई SSD दिया नहीं जाता है, आपको मैनुअली लगाना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर M.2 खरीदना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर दिस वन आउट। और PC में तो भाई क्या कहना, वहाँ पे आपको जो मदरबोर्ड से जितना सारा भी यहाँ पे अभी जो मदरबोर्ड बिल्ड हो रहा है वहाँ पे आपको एटलीस्ट यहाँ पे एक M.2 का स्लॉट तो मिल जाता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको लगा सकते हो। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आपका मदरबोर्ड बोलता है, आई मीन मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर बोलता है कि यहाँ पे आपका जो मदरबोर्ड है वो NVMe SSDs को सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे भी आप ये वाला जो SSD है इसको लगा सकते हो। इसका साइज़ है आप देख ही सकते हो, इसका नंबर से ही पता चल सकता है आपको, यहाँ पे इसका साइज़ है
22/80 mm का है, सेंटीमीटर का, एक्चुअली सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे इसका जो नंबर है वो इसका फॉर्म फैक्टर को वैसे डिफाइन करता है, ठीक है। और इसको लगाना भी काफ़ी सही है। यहाँ पे आपका मदरबोर्ड का जो M.2 का स्लॉट है उसमें आपको थोड़ा बहुत पुश करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे इसका जो एंड है M.2 का जो एंड है वहाँ पे आपको इसको अपना जो मदरबोर्ड के साथ आपको स्क्रूज मिलता है उससे आपको सिक्योर करना पड़ता है, एंड दैट्स इट, यहाँ पे आपका M.2 जो लग गया। एनीवे यहाँ पे हम लोग अभी फॉर्म फैक्टर के बारे में बात कर लिए। यहाँ पे हम लोग अभी इसका जो यू नो साइज़ है इसके बारे में बात कर लिए, 240 GB का है, और इसका जो यूज़ है कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लिया। अभी हम लोग थोड़ा बहुत बेंचमार्किंग देख लेते हैं, क्योंकि यार SSD जो परचेज करते हैं वो सिर्फ बेंचमार्क देखने के लिए आते हैं। एक और बात यहाँ पे मैं बेंचमार्किंग से पहले कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने जो M.2 का जो बेंचमार्किंग किया है वहाँ पे कोई OS इंस्टॉल नहीं था, M.2 जो पूरे का पूरा MT था, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जो इसका जो स्पीड है वो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ बेंचमार्क किया है, यहाँ पे क्रिस्टल डिस्क से मैंने बेंचमार्क किया है, यहाँ पे आप स्कोर्स देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने एक गेम को टेस्ट किया है जो कि है Assassin's Creed Odyssey, जो कि मेरा हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल्ड है एक, और इसका जो कॉपी फाइल है मैंने यहाँ पे M.2 में डाल दिया है। तो उसको मैं दो दो बार लॉन्च करके देखूंगा कि मतलब कितना आपको डिक्रीज मिलता है टाइम में अगर आप SSD से अपना गेम को लॉन्च करते हो या फिर हार्ड ड्राइव से गेम को लॉन्च करते हो, तो वहाँ आपको कितना ज़्यादा टाइम इंक्रीजमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो सिट बैक एंड एंजॉय द शो। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो रीड राइट स्पीड है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इसका जो रीडिंग स्पीड है वो यहाँ पे 570 MPS तक का गया है, और इसका राइट स्पीड है वो यहाँ पे 440 MPS तक का गया है, और जो 4K वगैरह जो छोटा छोटा फाइल्स का जो रीडिंग राइटिंग स्पीड है वो भी आप देख चुके हो। और आई गेस मेरे हिसाब से ये SSD जो है काफ़ी बढ़िया है, और जो आपको मतलब बॉक्स में लिखा हुआ मिलता है इतना MPS आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट उतना ही आपको मिलता है, यहाँ पे कुछ धोखेबाजी की बात नहीं है कि भाई यहाँ पे पेपर बॉक्स में इतना मिलता है और जो रियल लाइफ है वहाँ पे इतना मिलता है। और आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो आपके लैपटॉप के लिए, ऑल्सो अगर आप मतलब PC के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको PC के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड दैट वॉज वेरी अपडेट गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।